आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित देख रहे हैं। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसमें हमने जाना था कि क्या बैकग्राउंड था और किस तरीके से ये जो एक्सोडस है, ये जो मास माइग्रेशन है कश्मीरी पंडितों का, ये हुआ। हमारा एम यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस घाटी में बसाया जाए। लेकिन क्या वो वाकई वापस जाना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों अब डायनेमिक्स बदल चुके हैं बिल्कुल। अभी वो सब हम चीजें डिस्कस करेंगे। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड है, पार्ट टू ये रहा। अब इसमें हम काफी चीजें देखेंगे, हम कश्मीरी पंडितों की आप बीती देखेंगे। वैसे तो सारी स्टोरीज एक से ही हैं, टॉर्चर, किलिंग्स, रेप्स, लेकिन हम कुछ कहानियों इसमें जानेंगे। इसमें दोस्तों एक किताब है इस इश्यू पे, फ्रोजन टर्बुलेंस के नाम से, आप ये जरूर पढ़िएगा। यहां के गवर्नर, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जो थे, जगमोहन ने ही ये किताब लिखी है और एक बहुत ही जबरदस्त किताब है। इसमें पूरा का पूरा वो एरा दिखाया गया है। और दोस्तों वही गवर्नर है जिन्होंने सरकारें बदल दी थी और फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया था कि अगर ये गवर्नर होंगे तो मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा। 1990 में ये पूरा का पूरा वाक्या हुआ था, वो गवर्नर बने और यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। तो आप ये देखिएगा फ्रोजन टर्बुलेंस, उसको पढ़िएगा, ठीक है। सेड अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है। पिन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। टैबलेट और एंड्रॉइड कोर्स स्टडी आईक्यू के आते हैं। हाल ही में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है दोस्तों, ये काफी एग्जाम्स के लिए काफी एग्जाम्स के लिए ये कारगर है। तो आप इसको जरूर अवेल करिए अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये आप मैप देख लीजिए दोबारा, ये देख लीजिए कश्मीर, ये जम्मू, ये पूरा लद्दाख रीजन और यही है जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। कश्मीर की स्थिति आपको पता ही है, 1947 के बाद क्या हुआ। 1975 में अब्दुल्ला गांधी अकॉर्ड जो है वो साइन हुए थे, शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, 370 हटाने की बात चली। तो यहां पे बहुत सारे अलगाववादी जो थे वो खड़े हो गए, जो ये मांग कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। पैरेलली पंजाब में भी मिलिटेंसी थी, इधर अफगानिस्तान में भी वॉर छिड़ा हुआ था, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन सबको मौका मिल गया। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, वो सब मैंने बताया कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ी थी। ये 1989 से शुरू हो गया, 1988 से वैसे शुरू हो गया। तो दोस्तों यहां पे वहां के जो कश्मीरी पंडित है वो बताते हैं कि जब वो जाते थे, ठीक है, आमतौर पे ऐसा कुछ नहीं होता था कि मतलब कुछ भी ऐसी नफरत की भावना है, हाँ थोड़ी बहुत तो थी। कश्मीरी पंडितों का जो इतिहास है ना दोस्तों, क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे और माइनॉरिटी के चक्कर में इनको हमेशा दबाया जाता था। पहले पठान रूल करते थे और पठान ने भी इनके ऊपर अत्याचार किए, उसके बाद डोगरा ने भी कोई बहुत ज्यादा इनको राइट्स नहीं दिए, और उसके बाद फिर यहां तो हद ही हो गई जब इनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा था कि यहां पे जब कश्मीरी पंडित जाते थे तो ये कुछ नए लोगों को देखते थे। जब ये मंदिर जाते थे तो सीढ़ियों से नए लोग उतरते थे, मास्क पहने हुए ऊपर जाते थे, तो जब जो बच्चे थे वहां पे देखते थे ये लोग कौन है, तब पता चला कि ये लोग मिलिटेंट्स हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब दोस्तों ये मिलिटेंट्स दोस्तों इसमें बहुत सारे जो अफगानिस्तान, क्योंकि आपको पता ही कि 1989 में ही सोवियत अफगान वॉर जो है वो खत्म हो गया था, और वहां पे जो मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान में, वो अब कश्मीर में भी आ गए थे, बहुत सारे कश्मीर में भी आ गए थे, और उन्होंने युद्ध छेड़ने की बिल्कुल ठान ली थी सरकारों के खिलाफ। अब यहां पे स्टेट मशीनरी तो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। अब दोस्तों ये 14 सितंबर 1989 से शुरू हो जाता है, जब पंडित टीका लाल टपलू को मार दिया जाता है, जो कि एक बीजेपी मेंबर होते हैं और एक लॉयर भी होते हैं, और इनको मार दिया जाता है, श्रीनगर में इनका घर होता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज दोस्तों सामने आई हैं। अब नीलकंठ गंजू जो कि हाई कोर्ट के जज होते हैं श्रीनगर, और जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई होती है, उनको भी मार दिया जाता है। दोस्तों ऐसे ही एक एमके गंजू थे, कहानी बताता हूं दोस्तों, वो एक टेलीकॉम इंजीनियर थे। तो यहां पे जो आतंकवादी है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को ढूंढा जा रहा था, जहां पर भी कश्मीरी पंडित मिले उनको मारो। तो यहां पर यह मार्च 1990 की घटना है। तो टेलीकॉम इंजीनियर थे, उनको ढूंढा जा रहा था, वो घर में मिले नहीं, कश्मीर मिलिटेंट्स वापस आए, लेकिन उनकी पड़ोसी ने ये देख लिया था कि ये जो एमके गंजू हैं ये कहां पे छुपे हुए हैं, जो राइस का, जो चावल का ड्रम होता है उसके अंदर छुपे हुए हैं, देख लिया था। उन्होंने इशारा किया, उसके बाद वापस मिलिटेंट्स आए, उन्होंने गोलियों से उस ड्रम पे
मतलब उस ड्रम को गोलियों से भून दिया, एमके गंजू मारे गए, बहुत सारी गोलियां लगी थी, और इनकी पत्नी को पता है क्या बोला कि वो जो ब्लड सोक्ड राइस है, जो खून से लथपथ जो चावल है ना, वो खाइए, वो खाओ तुम, ऐसा बोला था आतंकवादियों ने। तो ऐसी हॉरिफिक स्टोरीज है, ऐसी हॉरिफिक कहानियां हैं। एक और कहानी है दोस्तों यहां पे, दोस्तों एक अभी वो तो हालांकि काफी ज्यादा वो मतलब वायरल भी हो रहा है, जो एक कश्मीरी पंडित विक्टिम है, वो ये बोलती हैं कि किस तरीके से उनकी एक क्या कहते हैं कि उनकी एक रिलेटिव थी, उनका रेप किया गया और उनको काट के फेंक दिया गया, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे उनको मार दिया गया। तो ये ऐसी कहानियां दोस्तों बहुत ज्यादा आप जब आप सर्च करेंगे, जब आप इंटरव्यू सुनेंगे, तो आपको बहुत ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी। सबकी एक ही कहानियां है, रातों रात छोड़ के इन सबको भागना पड़ा अपना घर। सोचिए जहां से बचपन से रह रहे हैं, जहां पे पले बड़े हैं, उस पूरे घर को इनको छोड़ के भागना पड़ा। अभी तो ये ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं, लेकिन वो ट्रांजिट कैंप्स भी बहुत उनकी अच्छी हालत नहीं है। कुछ की तो सही है, ठीक है, जम्मू में है ट्रांजिट कैंप्स, कुछ की तो ठीक है, लेकिन कुछ की बहुत खराब है। सिर्फ एक रूम मिला कुछ लोगों, तो खाली एक रूम मिला, ओनली वन रूम, कोई किचन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक रूम, और उन लोगों का बड़ा ही आलिशान मकान था कश्मीर में, लेकिन छोड़ के उनको भागना पड़ा। अब दोस्तों जनवरी 1990 जब आया, तो यहां पे जो हालात है वो बद से बदतर हो गए। इधर आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1989 में यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी तक को किडनैप कर लिया था, रूबिया सैयद को, ठीक है, उनका अपहरण कर लिया था, और आतंकवादियों ने ये बोला कि 5 मिलिटेंट्स को छोड़ दो। स्टेट मशीनरी पूरी फेल हो गई है, जहां पे भी लोग जाते थे पुलिस के खिलाफ कि हमारी मदद कर दो, वो मदद नहीं करते थे। पुलिस की बात आई तो एक हवलदार है, सोचिए पुलिस भी, जो कश्मीरी पंडित पुलिस में थे, वो तक वहां से छोड़ के भाग गए। इतनी बुरी हालत हो गई थी, पकड़ पकड़ के लोगों को ढूंढा जा रहा था। रात में हजारों का जत्था आता था, उसमें ढेर सारे आतंकवादी होते थे, पकड़ के लेके जाते थे। कई जगह तो दोस्तों, कई गांव में तो ऐसे लाइन से खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। तो इस तरीके, और ये पूरा, ये कुछ गांव में तो पूरा 2000 तक चला, तो मतलब ईयर 2000 तक, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी 1987 से लेकर 2004 तक थी, तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। इंसर्जेंसी यहां पे पीक पे थी, जो यहां का युवा था वो सीमा पार जाता था, बिल्कुल उसका ये एम होता था कि वो सीमा पार जाके वहां से ट्रेनिंग करके वापस आएगा और कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेगा, और वो आजादी किस पे आएगी, मासूमों के खून से, ये इनका था। अब दोस्तों 4 जनवरी 1990 का दिन होता है, यहां पे अल सफा उनका जो पेपर है और आफ्ताब जो उनका पेपर था कश्मीरियों का, तो वहां पे सीधा एक प्रेस रिलीज जारी होता है हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा कि अगर कश्मीरी पंडित अपनी खैरियत चाहते हैं तो वो यहां से निकल जाएं। और दोस्तों यहां पे उसके बाद से दोस्तों सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, जनवरी के बाद से, जनवरी 1990 के बाद से बहुत बिगड़ गई जो कंडीशन है। लाखों लाखों पंडितों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा, मस्जिदों से आवाजें आने लगी, मस्जिदों से पहली बात तो पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहा जाता है कि पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई खाली मस्जिदों को छोड़ के। वहां पे स्पीकर से बार बार ये बोला जा रहा था, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, यहां क्या चलेगा, हिजबुले निशाने मुस्तफा, ठीक है, तो इस तरीके से स्लोगन थे। तो यहां पे बहुत बुरी हालत थी। अब दोस्तों जितनी भी दीवारें थी वहां पे पोस्टर चिपका दिए गए थे कि कश्मीरियों को इस्लामिक कोड, इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना है। वहां पे जो मिलिटेंट्स थे वो मुखौटा पहने रहते थे, मास्क्ड मैन थे, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो तुम अपना टाइम है वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट करो। सिनेमा बैन कर दिया, अल्कोहल को बैन कर दिया, औरतों पे अत्याचार शुरू हुआ, और यहां पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। औरतों को बिल्कुल स्कूल में जाने की सहमति थी ही नहीं, ब्यूटी पार्लर्स में नहीं जा सकती थी, सब कुछ, मेकअप नहीं कर सकती थी, सब कुछ उन्होंने एक के बाद एक करके बंद करना शुरू कर दिया। जितने भी सरकारी ऑफिस थे उसको हरे रंग से रंगना शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज, शॉप्स, टेम्पल्स, वैसे तो बहुत सारे मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया, ये सब आतंकवादियों ने किया दोस्तों, जितने भी वहां पे मिलिटेंट्स थे तो इनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया दोस्तों। ऐसी खतरनाक कंडीशन आ गई थी जैसे आप सीरिया में नहीं देखते हैं, इस तरीके की कंडीशन 1990 के दशक में हो गई थी। पूरी स्टेट मशीनरी फेल हो गई थी, ना ही कोई लॉ था, ना ही ऑर्डर था, यहां पे फंसे बीच में कौन थे, कश्मीरी पंडित। अब वो करें तो करें क्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम।
अब वहां पे वो मदद मांगते थे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे कुछ लोग तो मदद के लिए आगे आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि यहां पे मिलिटेंट्स का पूरा कब्जा हो गया था, कश्मीर को पूरे अलगाववादी मिलिटेंट्स ने कब्जे में ले लिया था, और कुछ लोग तो बिल्कुल इस आजादी के लिए लड़ रहे थे। अब दोस्तों यहां पे एक चीज है, अब जब इनसे बोला जाता है कि आप वापस घाटी में जाइए, क्योंकि सरकार की कुछ शर्तें हैं, ठीक है, आप ऐसे वहां पे कश्मीरी पंडित जो है वो वापस कश्मीर में जाके रह नहीं सकते, वहां पे सरकार की कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं कि फिर आप वापस नहीं जाएंगे। हालांकि बहुत सारे यहां पे इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार द्वारा कि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाया जाए। तो अब दोस्तों ऐसा था कि जब इनसे बोला जाता है कि आप वापस कश्मीर में बसो जाके, तो ये बोलते हैं कश्मीरी पंडित, और इनको इनका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि आज अगर हम वहां पे बचे हमको फिर वहां से भागना पड़ेगा। दोस्तों मैं बड़ा ही एक हास्यास्पद चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने बिट्टा कराटे का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने यासीन मलिक का नाम सुना होगा, ये कौन है? ये आतंकवादी है, ठीक है, ये इस समय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के लीडर्स हैं, अलगाववादी आज नेता बने हैं। एक टाइम पे बिट्टा कराटे के ऊपर तो 22 से ज्यादा लोगों को मारने का आरोप है, कश्मीरी पंडितों को। ये तो आतंकवादी था, ये मारता था, यासीन मलिक भी ऐसे ही है, ये सब जो है जो उस समय आतंकवादी थे, उस समय इन्होंने कश्मीरी पंडितों का खून किया था, और आज ये कह रहे हैं कि भैया वापस इनको लेके आओ। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी अलगाववादी नेता है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को जान से मारा था, जिनपे बिल्कुल प्रूफ है, बिट्टा कराटे ने तो बिल्कुल कन्फेस किया है, आज वो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेके आओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या कोई ऐसे जाना चाहेगा वापस, ऐसे इस जगह पे जाना चाहेगा जिनके हाथ खून से रंगे हों? कौन जाना चाहेगा? जब तक इनको पूरी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता, सरकार की वहां पर स्टेट मशीनरी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती, वो स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक कोई कैसे जा सकता है वापस वहां पे? वो तो फिर मारेंगे अगर कुछ भी। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया भी, सरकार ने काफी कोशिश की है, मनमोहन सिंह सरकार ने काफी रिलीफ पैकेजेस दिए, ठीक है, 1100 करोड़ रुपए खर्च किए, यूथ को कुछ युवाओं को 3000 युवाओं को वहां पे वापस ले जाया गया और बोला गया कि आपको सरकारी नौकरी देंगे, 1500 सरकारी नौकरियां मिली भी। कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों में मेल जोल बढ़े इसकी बहुत कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों ये बड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। बहरहाल 29 अप्रैल 1990 को सर्वानंद कौल प्रेमी को मार दिया गया, ठीक है, और बहुत ही भयंकर तरीके से इनको टॉर्चर करके मारा गया था, ठीक है। रातों दोस्तों क्या था ना कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ने रातों रात यहाँ पे अपने घरों को खाली कर दिया था, बहुत सारी औरतों का तो रेप किया गया, सीधा उनको पकड़ के टॉर्चर करके मार दिया गया, बहुत सारे लोगों की आंखें निकाल ली गई, ठीक है, आंखें निकाल ली गई, लोगों के हाथ काट के फेंक दिए जाते थे, हाथ पैर काट के फेंक दिए जाते थे। तो इतनी खतरनाक ऐसे सड़कों पे खून बिसरा होता था, खून पड़ा होता था, ठीक है ना, तो इतनी खतरनाक कहानियां हैं। तो अब ऐसे में उनको भागना ही पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सतीश टीकू जो कि एक हिंदू पंडित सोशल वर्कर थे, घर में घुस के उनको मार दिया। लस्सा कौल जो कि स्टेशन डायरेक्टर थे दूरदर्शन के, सोचिए मीडिया के लोगों को, उनको मार दिया। बहुत सारी कश्मीरी, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। तो दोस्तों ये सब जो चीजें हैं आप देख रहे हैं ना कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों को मारा जा रहा है तो छोटे लोगों की क्या औकात, उनकी क्या बिसात। जो तो वहां पे जो जिनका रसूख नहीं था, यहां पे जज को मारा जा रहा है, यहां पे पुलिस भाग रही है जो कश्मीरी पंडित है, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था। और ये फिर मास माइग्रेशन जो है, जो भी मिला, बस कार पैदल गए, कुछ भी मिला, बस वो उन्होंने घाटी फिर छोड़ दिया। अब यहां पे कश्मीरी लोगों का क्या स्टैंस था दोस्तों, इसमें लोग बटे हुए हैं। अभी आप कश्मीरियों से पूछें तो वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई वापस आ जाएं, और कश्मीरी मुस्लिम ने भी यहां पे जब इंटरव्यूज हुए और सर्वे हुए तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने माना कि हाँ हम चाहते हैं कि वापस आ जाए, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते, बटे हुए हैं। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस ना ही आए तो बेटर होगा, क्योंकि उनके पास फिर वही सारी चीजें होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी भी दोस्तों कुछ 3,000 से 4,000 जो कश्मीरी पंडित है वो है, वहां कश्मीर घाटी में है, बहुत लोग, कुछ लोग छोड़ के भी नहीं गए, कुछ लोग वहीं रहे चाहे जो भी हुआ।
तो वहां पे क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है घाटी में तो सीधा इन्हीं पे ही ब्लेम डाला जाता है, इन्हीं को ही टारगेट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी शिकायत है इनकी सरकार से, सरकार इनको प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही है। तो ये अब दोस्तों अल्टीमेटली लोगों को ही झेलना पड़ता है, ये चीज है। हालांकि 1990 से ये जो पूरा का पूरा लड़ाई चल रही है, अभी भी कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित यही चाह रहे हैं कि हम वापस आए। अब दोस्तों सरकार ने बहुत सारे कैंप्स जो है वो स्टैब्लिश किए, जम्मू में ट्रांजिट कैंप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो रूम सेट है, कुछ में एक ही रूम है, एक ही मिला हुआ है। कुछ लोग अलग अलग शहरों में बस गए हैं, ठीक है, एमपी महाराष्ट्र यहां बस गए, कुछ लोग फॉरेन चले गए। तो तीन कैटेगरी है कश्मीरी पंडितों की। और सबसे पहली कैटेगरी में जो है, जो ट्रांजिट कैंप्स में रह रहे हैं, और ये बहुत सालों से रह रहे हैं दोस्तों, 29 साल हो गए ना तब से रह रहे हैं, इनको सबसे पहले वापस, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, फर्स्ट फेज जो है वो शुरू किया जाए और इनको वापस कश्मीर घाटियों में बसाया जाए। कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें हैं, जो वहां पे घर हैं, वहां पे कोई कब्जा नहीं हुआ है। हाँ, उनके घरों को जला दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, लेकिन लोगों ने कब्जा नहीं किया। कश्मीर मुस्लिम भी अभी काफी लोग ये चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के जाने से हमको भी, कश्मीर में एक हाल गांव है तो वहां पे लोग चाह रहे हैं कि वापस आ जाए। वहां पे जब एक मंदिर बनाने की शुरुआत हुई तो वहां पे कुछ पंडितों ने मदद, कुछ मुस्लिमों ने मदद भी की मंदिर बनाने में। तो ये सब जो मिलिटेंट ने किया, मिलिटेंट्स ने और अलगाववादियों ने, जब मैं तो हमेशा यही मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर किसी को ब्लेम करने वाला है तो ये अलगाववादी और ये जो प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है, इन्हीं लोगों को ब्लेम करने वाला है। तो यहां पे हाँ, उस समय कश्मीर मुस्लिम जो थे, बहुत सारे मुस्लिमों ने इस आजादी के मूवमेंट को सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है। अगर वहां के हर एक नागरिक जो है, हर एक कश्मीर मुस्लिम जो है, वो अगर सामने खड़ा हो जाता तो शायद इनकी हिम्मत ना पड़ती। लेकिन पावर फ्लोज थ्रू दी बैरल ऑफ द गन, भैया जब बंदूक के आगे किसी की नहीं चलती है। यहां पे मिलिटेंट्स के साथ पास अच्छे खासे हथियार थे, वेल ट्रेन्ड थे, ये मुजाहिदीन थे जो कश्मीर के लिए मरने मारने को तैयार थे। और आप देख रहे हैं ना, आपने देखा किस तरीके से जो आजादी मांगते हैं, ये जनवरी फरवरी मार्च के महीने में जो मिलिटेंट्स ने ऑक्यूपाई की कश्मीर घाटी, क्या हुआ उस आजादी से? सारी की सारी पाबंदियां लगा दी गई, आप घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता था, छोटे से छोटे जुर्म की जो सजा थी ना वो मौत थी। ये होता है भैया। तो भैया भारत जो है ना वो वाकई एक डेमोक्रेसी है, आजादी अगर कहीं पे है ना तो भारत में है। तो इसीलिए सरकार को यही कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हो सके ये 370 हटाए जाएं। दोस्तों 370 में, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया, बहुत पेच है नो डाउट, यूनाइटेड नेशंस का मसला फंसेगा, वहां की भी असेंबली से हमको उसको पास कराना पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है वहां की असेंबली, वहां की सरकार, देखिए है तो वो भारत की ही सरकार ना, तो मुझे नहीं पता कि वहां की सरकार इसमें इतना क्यों मतलब नहीं चाहती। अभी तो हालांकि अभी तो बीजेपी और वहां का पीडीपी का पूरा गठबंधन था, तब वो लोग कर सकते थे। खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भी ये लोग चाह रहे हैं कि हम घाटी में वापस जाए, बहुत पंडित चाह रहे हैं घाटी में वापस जाए, बहुत चाह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ये भी मांग उठी है कि ये जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग लैंड बना दो, ठीक है, कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट काट के अगर हिंदुओं को बसाना है तो वो अलग उनको लैंड दे दो, अलग। इसमें पनून कश्मीर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सालों से लड़ती आ रही है कश्मीरी पंडितों के लिए कि इनको बिल्कुल एक अलग ही लैंड दे दो, सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता दोस्तों, ठीक है, 6600 रुपए इनको महीना दिए जाते हैं जो छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि 10,000 रुपए बढ़ाने का इसको प्रस्ताव जो है वो रास्ता बोला गया है। 9 किलो चावल दिए जाते हैं पर पर्सन, ठीक है, 2 किलो आटा दिया जाता है पर पर्सन, और 1 किलो चीनी दी जाती है पर फैमिली। जो गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं उनको पेंशन दी जाती है, ठीक है, और बहुत सारे कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, मतलब कुछ स्टेट्स में तो कश्मीरी पंडितों का खास ध्यान भी रखा जाता है। शिक्षा में भी अगर इनके बच्चों को, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, इनके बच्चों, ये बच्चे पढ़े कहाँ, तो एजुकेशन जो थी कश्मीरी पंडितों के हाथों से छूटती जा रही थी। तो केंद्रीय विद्यालय फिर आगे आया, उसने बोला कि हम जो हैं आपके बच्चे को पढ़ाएंगे बहुत कम फीस पे, नाम मात्र फीस पे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल जो हैं, अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते कि आप कश्मीरी पंडित है तो वो भी फीस जो है वो बहुत कम लेते हैं। तो ये चीज है, ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं कि 2014 के बीजेपी के घोषणा पत्र में ये था कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस बसाएंगे, तो ये चीज। और बहुत सारी कोशिशें भी की जा चुकी, जैसा कि मैंने बताया कि मनमोहन सिंह के समय में भी बहुत कोशिश की,
3000 नौजवानों को वहां पे भेजा गया, 1500 को नौकरियां भी मिली, क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने की भी यहाँ पे प्रस्ताव पेश किए, ठीक है। इसमें जो बर्बाद मकान थे उन मतलब जिन कश्मीरी पंडितों के बर्बाद मकान जो काफी क्षतिग्रस्त काफी खराब हो गए थे, ठीक है, इन हमलों की वजह से, उनको 7.5 लाख रुपए देने की बात की गई, और जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे उनको 2 लाख अतिरिक्त देने की बात की गई ताकि वहां वहां चीजें सही हो जाए। अब जब इन नौजवानों से पूछा गया कि भैया क्या है, मतलब आपके हिसाब से क्या, मतलब किस तरीके से जो आपका जीवन है वो कश्मीर में है, तो यहां पे इन्होंने बोला कि ठीक है हम लोगों से मिलते हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रीडम, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कश्मीर में। आप यहाँ पे भारत, भारत में होते हुए भी आप भारत की कश्मीर में तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग फिर चढ़ बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मतलब आप नहीं कर सकते भारत की, भारत हम भारत में, वहां पे भारत का झंडा भी, प्रॉब्लम्स होती है वहां पे, लोग जो है वो ऑब्जेक्शन करते हैं। ये वहां के नौजवानों का, कुछ नौजवानों का जब उनसे इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया, उनका मानना था। लेकिन दोस्तों वहां के भी कश्मीरी मुस्लिम जो है वो इस बात में तो साथ हैं कि वापस आए और साथ मिल के रहें, और एक कहते ना कि एक नया आयाम, अमन का एक नया आयाम जो है वो चालू करें। ये छोटी सी टाइमलाइन है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, आप देख सकते हैं सितंबर 1989 से ये पूरा शुरू हुआ, टीका लाल टपलू को जान से मार दिया गया, उसके बाद 1990 से बहुत ज्यादा क्राउड, जनवरी 1990 से शुरू हुआ, लाखों लाखों लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते थे, एंटी पंडित स्लोगन जो होते थे वो कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, और यहाँ पे कम्युनल स्पीचेस, हेट स्पीचेस, तो इसी की वजह से 3 से 4 लाख पंडितों ने छोड़ दिया उस वैली को, ठीक है, रातों रात। उसके बाद मार्च 1997 में बहुत बड़ी घटना हुई, ये दोस्तों कई बार वैसे हुई है जब कश्मीरी पंडित माइग्रेट कर रहे थे तब भी हुई है कि घसीट के लेके आया जाता था, सबको गोली मार दी जाती थी, तो वहां पे टेररिस्ट ने 7 कश्मीरियों को मार्च 1997 में संग्रामपुरा विलेज में यहाँ पे लेके आया और गोली मार दी गई, ठीक है, 7 कश्मीरी पंडितों को। उसके बाद 1998 में भी 23 कश्मीरी पंडितों को भी मार दिया गया था, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 2003 में भी ये सब मिलिटेंट्स ने किया, 2012, हालांकि 2004 के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं आई है और वहां पे हालात जो है वो बेहतर हुए हैं, है ना, तो ये चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे हम तो यही चाहेंगे कि वापस कश्मीरी पंडित जाएं, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम सब साथ में मिलकर रहे, अमन बना रहे। और यहाँ पे दोस्तों फिर सेना ने भी अपने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, मैंने ऑपरेशन सद्भावना पे पूरा एक लेक्चर किया है, आप देख लीजिएगा, उनके भी पूरे ऑपरेशन हैं, ठीक है, कि अमन और चैन जो है वहां पे बना रहे और कोई अनस्टेबिलिटी ना हो, अनरेस्ट ना हो। लेकिन अभी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है कि नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सब अच्छा हो जाए। आशा करता हूँ ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, मैंने सब कुछ कवर किया है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, सैनिक।